जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है राकेश और आप अभी मुझे देख रहे हैं टेक स्वामी भाई के चैनल पर। तो गाइस बिल्कुल बता दो कमेंट सेक्शन में आप कैसे हो। एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जहाँ पे मैंने आप सबसे पूछे थे कि अपने क्वेश्चंस डाल दो, क्यू एन ए करेंगे और आप सबके सवालों के जवाब देंगे राकेश भाई, ए के ए ज्ञान थेरेपी। तो भाई आपका स्वागत है चैनल पे। भाई थैंक यू, अच्छा लग रहा भाई। सुना मैंने, आपने बताया था कि कुछ व्यूअर्स क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मुझे भी नहीं पता, ये अननोन क्वेश्चंस है भाई, कोई मुझे मैंने पता नहीं किया कि क्या क्वेश्चंस हैं, तो जो होगा सामने होगा। बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा, भाई के चैनल का लिंक नीचे दे रखा है, उनको गलती से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और यहाँ पर पहली बार आए हो तो भी नहीं, क्योंकि भाई मोस्टली लोग जानते हैं आपको, यहाँ पे बहुत प्यार करते हैं। अरे थैंक यू भाई, तो चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू किया जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन एक्चुअली नीरज की तरफ से कह रहे हैं कि यहाँ पे 2020 का हम कह सकते हैं ईयर ऑफ रीब्रांडिंग, या 2020 जो है ना, यानी कि 2020 कुछ खास नहीं रहा स्मार्टफोन के लिए जी, ये मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। 2019 काफी इंटरेस्टिंग था, चाहे वो प्राइस हो, चाहे नए नए स्पेसिफिकेशन हो या नया नया डिजाइन हो, काफी कुछ हमें देखने को मिला, बट 2020 में ये चीजें नहीं मिल पाई। अब 2021 का वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं एग्री करता हूं जो इन्होंने कहा है, काफी रीब्रांडिंग से हो रही है, हर एक ब्रांड यहाँ पर रीब्रांड ही करता जा रहा है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, और जो लोग रीब्रांड नहीं भी कर रहे वो भी ऐसा कुछ लेकर नहीं आए कि एकदम ही यूनिक सा हो जी। वो चीज जैसे 2019 में हर ब्रांड के साथ देखने को मिल रहा था, इस बार थोड़ा मिसिंग लगा मुझे। बाकी हाँ कुछ प्रोडक्ट नए आए हैं, बट वो बात नहीं बनी 2019 वाली। चलो होप करेंगे 2021 हमारे लिए बहुत बढ़िया हो, वैसे भी 2020 में देख रहा हूँ सब चीजें उल्टी फुलटी चल रही है। तो यहाँ पे नॉलेज टेक्स कह रहे हैं कि इफ आई चार्ज पोको M2 प्रो विद स्टैंडर्ड चार्जर 10 वॉट्स का तो क्या होगा, मतलब कोई भी फास्ट चार्जर सपोर्ट करने वाला फोन है अगर उसको हम स्लो चार्जर से करें तो क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो चार्जर से आप चार्ज करोगे वो बस स्लो चार्ज होगा, इवन अगर आप उससे ज्यादा फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं या वो चार्जर यूज करेंगे हाँ जी, कोई नुकसान नहीं है, बस प्रॉपर ज्यादा तेज चार्ज नहीं होगा क्योंकि सिस्टम अलग होता है, वो का और क्विक चार्ज का सिस्टम अलग होता है, सैमसंग के अडेप्टिव का अलग होता है, सबका अलग अलग है। लेकिन हाँ अगर आप फास्ट चार्जर किसी भी कंपनी का लगाएंगे तो 10 वोल्ट से फास्ट चार्ज होगा, बट जरूरी नहीं है वो वूक चार्जर है तो वो वूक की स्पीड से चार्ज करेगा रेडमी को फोन को, वो बिल्कुल नहीं करेगा। सही है, तो मैंने आपकी वैसे फास्ट चार्जिंग वाली वीडियो भी देखी हुई है, तो आपका ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है भाई कि आपका फेवरेट फास्ट चार्जर वैसे कौन सा है, वूक है, डैश है, बहुत सारे क्विक चार्जर। मेरा वूक चार्जर बिकॉज ये फोन को काफी हद तक हीटिंग को कंट्रोल रखता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है ओमकार भाई की तरफ से, कह रहे हैं इनके दो हैं एक्चुअली, और कहते हैं स्नैपड्रैगन वर्सेस मीडियाटेक और शाओमी वर्सेस रियलमी, आपकी चॉइस। ये डिपेंड करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर, लेकिन अगर आपको सीधा ब्रांड को कंपेयर करना है तो भाई स्नैपड्रैगन प्रोसेसर किंग है एंड्रॉइड की दुनिया में, और शाओमी वर्सेस रियलमी मैं किसी भी स्मार्टफोन को नहीं पिक करना चाहूँगा। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रास्ते पे चल रहे हैं, हालांकि शाओमी पहले आया था, रियलमी बाद में उसके रास्ते पर आया, बट एक दूसरे को ये लोग ऐसे ही करते हैं, पब्लिक के सामने पोक करते हैं, कभी रियलमी कभी शाओमी, तो डिपेंड करता है आपको जिसके साथ जो अच्छा फ़ोन मिल जाए। मैं यहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकता, जो UI पसंद हो आपको, जो ब्रांड या जो सर्विस सेंटर आपके एरिया में हो बेस्ट है, बस वही लेना चाहिए। एग्जैक्टली, हमारे को प्रोडक्ट देखना है यहाँ पे, एक्चुअली नाम का क्या ही करना है हमें। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सही। यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना मयंक पूछ रहे हैं, कह रहे हैं पहली बार लैपटॉप लेना है और 45,000 रुपीज का मेरा बजट है, कहते कुछ भी सजेस्ट कर दो अच्छा सा। एक्चुअली मैं लैपटॉप से रिलेटेड थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ, ज्यादा नहीं, और वीडियो मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिया, तो बहुत सारे लैपटॉप माइंड में नहीं रहते, बट हाँ एसुस का वीवो बुक सीरीज आप चेक करो, 45 में आपको i5 8th जनरेशन या 10th जनरेशन भी मिल सकता है कुछ में, okay। और आपको इजीली SSD कंसीडर कर लेना 256 GB के साथ या 1 TB नॉर्मल हार्ड डिस्क या फिर 512 GB मिल जाएगा या 1 TB भी, ऐसे करके ये दो चीज़ें ध्यान रखना, बाकी आपको यहाँ पे 8 GB रैम मिल जाएगा। सही और है। अगर कुछ हैवी काम हो तो ग्राफिक कार्ड अगर लेंगे तो चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, i5 से i5 8th जनरेशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको ना भाई आपको स्पेक्स देखने हैं, तो भाई का कहना ये कि स्पेक्स देखो कि मैक्सिमम आपको क्या मिल रहा है प्राइस के ऊपर, बाकी एसूस है और भी काफी सारे हैं ब्रांड्स जो कि आपको बढ़िया बढ़िया यहाँ पे चीजें प्रोवाइड। हाँ क्योंकि लैपटॉप यूज पर भी डिपेंड करता है ना, स्मार्टफोन की दुनिया लैपटॉप की दुनिया बहुत अलग है एकदम। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुकेश भाई की तरफ से, कह रहे हैं कि अभी इस वक्त अगर 30,000 के अंडर 4G वाला IQ3 मिल रहा है तो वो क्या नॉर्ड और पिक्सल 4 एक ही जगह खरीदना चाहिए। पर्सनली मेरा IQ की किसी भी स्मार्टफोन के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर वैसे मुझसे बिना एक्सपीरियंस मैं ये कह रहा हूँ, आपको गलत नहीं लगना चाहिए, गलत हूँ तो आप ध्यान मत देना, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप IQ जैसे ब्रांड के साथ जा रहे हैं तो मैं कहूँगा OnePlus, अगर आप ऑप्शन में दे रहे ना OnePlus के साथ जाओ,
बेहतर रहेगा। ओके तो भाई वैसे आपका अभी पिक्सल 4a आई थिंक आपने यूज किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी कमाल का, सुपर एक्सपीरियंस और मुझे काफी बेहतर फोन लगा, बेस्ट फोन लगा इनफैक्ट मुझे। बट ये सबके लिए नहीं है, लाइक ये eSIM वाला झमेला बहुत बुरा उसके अंदर ऐसे उसकी गेमिंग कर सकते हो डेफिनेटली, बट नॉट अ गेमिंग फोन। उसमें जो दिया लिमिटेड है बट जो भी दिया परफेक्ट है, उसको ऐसा फोन कह सकते हैं। तो इट डिपेंड्स, उसी के साथ में आता है नोड, नोड सबके लिए है, सबके तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा। सही है। तो बाकी आप पिक्सल 4a को थोड़ा सा ओवरप्राइस कहोगे? ओके तो शुभांकर कहते हैं कि यहाँ पे रियलमी का 2.0 के लिए आप एक्साइटेड हो जो UI आने वाली है? हाँ मैं भाई, कोई भी UI जब आती है ना पर्सनली किसी भी ब्रांड का, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं एंड्रॉयड ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे iOS, अगर आप iPhone ऑन करते हैं तो आपके पास एक ही चीज़ है iOS, कोई भी फ़ोन मतलब चेंज कर लो। हाँ, वहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे अगले जो कहें मिसाम भाई कह रहे हैं कि हर, ये बहुत ही एक ना कह सकते हैं हम कॉन्ट्रोवर्शियल से क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हर एक टेक यूट्यूबर जो है वो पेड वीडियो बनाता है, वो सिर्फ मनी कमाना चाहता है और कुछ नहीं। मनी कमाना चाहता है, ये बात तो सही है, बट मनी कमाने के सबके तरीके अलग है। अब सब पेड वीडियो नहीं बनाते, पेड वीडियो मैंने बहुत बार अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है, अलग अलग टाइप की होती है। पेड मतलब एक होता है वीडियो का प्रोडक्शन कॉस्ट लेना, है ना जी, कि भाई मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी ये फीस है, जो कि हाँ। बड़े चैनल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मान लो मैं ही हूँ, चार लोगों को रखता हूँ, 2-3 कैमरे यूज करता हूँ, 4K में वीडियो दूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, है ना। एक होता है बायस्ड, यानी कि पैसा लिया आपने और उस दो फोन को आपस में कंपेयर किया, जो सही नहीं है उसको भी आप सही बोल रहे हो, जो फीचर कम अच्छा है उसको आप बढ़ा के बोल रहे हो, वो गलत है, वो काफी गलत, टेक्निकली गलत है। वो हमारी जो कमिटमेंट रहती है शुरू से कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चीजें छुपाएंगे नहीं, वो बाद में जब चेंज होता है ना वो काफी फिर बुरा लगता है। हाँ ये चीज आप कह सकते हैं डेफिनेटली जी। तो इसे डिपेंड करता है कि इसको किस वे से आप देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, तो कुछ गलत है कुछ कुछ सही है, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे नेक्स्ट ना, आप तो पहले तो नाम सुन के थोड़ा सा हंसोगे कि इनका नाम है iOS इज बेटर देन Android OS. तो इनका क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं कि iOS की जो यहाँ पे डिवाइसेज हैं उसमें 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले अभी भी आ रही है, क्या ये 90 हर्ट्ज की हमें फीलिंग दे सकती है, क्योंकि इतने महंगे में भी 60 हर्ट्ज दे रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, iPhone अभी मैंने 12 Pro बाय किया लेटेस्ट, और मैं iPhone के साथ इतना ही कहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, UI वगैरह काफ़ी मतलब सटल होता है इनका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका 60 हर्ट्स ही फील होता है, क्योंकि इनके जो एनिमेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इतने फास्ट नहीं लगते। रीसेंट ऐप को अगर आप स्वाइप करेंगे वो काफ़ी स्लो स्वाइप होता है, तो ये चीज़ें वो बिल्कुल भी फील नहीं कराने देता कि ये इतना स्मूथ। अगर उसी को और स्मूथ कर देंगे डेफिनेटली उनका 60 हर्ट्स 90 हर्ट्स फील होने लग जाएगा, क्योंकि बाकी सब काफ़ी बढ़िया है। मिस्टर अननोन है, ये कह रहे हैं कि योर ओपिनियन ऑन न्यू आईफोन्स, अभी आपने थोड़ा सा बताया बट चलो पूरी तरह बता दो जो iPhone। हाँ मैंने अभी बाय किया, एक्चुअली मैं पहले आईफोन यूज़र था, काफ़ी पहले की बात है, फिर मुझे एंड्रॉयड कम्फर्टेबल लगता है और मैं एंड्रॉयड के साथ ही कंफर्टेबल हूँ। अभी मैंने बाय किया, फिलहाल मैं OnePlus 8T टेस्ट कर रहा हूँ, कंप्लीट हो चुका है, मे बी कल वीडियो आएगी, फिर मेरा सिम चला जाएगा आईफोन के अंदर, तो मैं उसके साथ अपना बेहतर एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, इनफैक्ट वीडियो भी आएगी इस पर। तो अभी तो मैंने उसको पर्सनली इतना यूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा 80 टेस्टिंग पे था, वो कंप्लीट हो चुका है, तब लगेगा उसमें सिम। तो हमीम पूछ रहे, कहते हैं जो हमारे ये इंडियन फोन्स होते हैं, अगर यहाँ पे फोन परचेज किया है हम कनाडा ले जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ यहाँ एक्टिव कर लो आप, यहाँ का फोन जो है आप कहीं भी ले जाओ हर जगह काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो आईफोन है वो तो वारंटी भी देता है, आप कहीं भी ले लो, कहीं भी ले जाओ किसी भी कंट्री में। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे हैं भाई, और वो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जो माइक्रोमैक्स है वो इमोशनल एंगल को पकड़ के यहाँ पे प्रमोट कर रहा है आने वाले फोन को? हाँ बट वो मैंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया था, यस बिल्कुल कर रहा है, और ये ऐसा नहीं कि माइक्रोमैक्स करता है, सभी ब्रांड का हाल है, चाइनीज नॉन चाइनीज में अच्छे अच्छे स्मार्टफोन, क्यों बाकी अदर ब्रांड्स ने भी क्या किया, ये गेम खेला जी। इवन मैंने अपने वीडियो में कहा था शाओमी भी क्या करता भाई, वीडियो दिखाता नहीं कि हमारे इतने वर्कर काम करते हैं इंडिया में, अलग अलग ब्रांड, तो सबका एक है तरीका, जब देखते हैं पब्लिक जिस तरफ जा रही है
उनको बिजनेस करना वो उस तरफ डाइवर्ट होते हैं और एट द एंड हमें प्रोडक्ट चाहिए तो फोन आ जाए, देखते हैं कैसा होगा और डेफिनेटली अच्छा होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, इंडियन ब्रांड है। चलो इस बार हमें पता है कि अभी जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते, अभी चाइना से ही इम्पोर्ट होंगे, बट एटलीस्ट एक शुरुआत कह सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, और सुनने में ठीक है, स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह दे रहे हैं तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस, मैं भी वेट कर रहा हूँ बाद में ये लोग अपडेट, सर्विस सेंटर वगैरह क्या हाल है सब देखते हैं, वेट करते हैं। और चिराग दीक्षित कह रहे हैं, कहते हैं क्या हमारे लिए एक डिसेंट तरीके से फ़ोन यूज़ करना है तो 4GB रैम आज के टाइम पे इनफ है या फिर ज़्यादा चाहिए? इनफ है, 4GB रैम इनफ है। आने वाले टाइम में जब 5G वगैरह वाले फ़ोन आने लग जाएंगे तब मुझे लगता है वहाँ पे ऐप्स ज़्यादा हैवी हो जाएंगी, ज़्यादा वहाँ पे 6GB शायद हमें ज़्यादा ठीक लगेगा। अभी नॉर्मली उसके लिए मुझे नहीं लगता 4GB कोई दिक्कत करेगा। ठीक है, तो क्या लगता है भाई माइक्रोमैक्स इस बार बेस वेरियंट क्या लेकर आएगा, 3GB 4GB 2GB? क्योंकि इनका प्राइस एक फ़ोन का काफ़ी कम होने वाला है तो मुझे लगता है 3GB 2GB तो शायद कम हो जाएगा, 3GB से लोग शायद स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी देखते हैं। चलो देखते हैं कि प्राइस क्या होता है, फिर मजा आएगा। सौविक कह रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस लेना चाहिए फोन जब खरीदते हैं? ले सकते हो अगर महंगा फोन है, डेफिनेटली अगर आपको मतलब फोन 50,000 या उससे ऊपर है, 40,000 से ऊपर, तो ले सकते हैं। और मैं 10,000 का फोन है तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि उसमें अगर कई बार सस्ते मिलता है ना ऑफर वगैरह में तब ले लो, क्या दिक्कत है, तब तो 400-500 तक भी मिले तब भी ले लो, कोई नुकसान नहीं है उसमें, लेकिन इससे ऊपर मिले तब नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जुगल कह रहे हैं फोन में मैट स्क्रीन वाला प्रोटेक्टर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मैट स्क्रीन वाले प्रोटेक्टर का फायदा ये कि उस पर स्क्रैच नहीं आते है ना जल्दी, लेकिन ये है कि उसके व्यू एंगल जो है ना साइड से वो थोड़ा सा स्क्रीन साइड से भी क्या फ्रंट से भी स्क्रीन के कलर्स को डल कर देता है, तो ये आपके ऊपर है, बाकी वो लॉन्ग टाइम तक भी वैसे ही बना रहता है, उस पर स्क्रैच वगैरह आते नहीं, तो डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल है कि नहीं, लेकिन कलर्स खराब कर देगा ये तो है। तो दीपक कह रहे हैं भाई कि 2021 में आपको क्या लगता है ऐसा कौन सी चीज आ सकती है जो कि ट्रेंड सेटर बन जाएगी मोबाइल्स पर? 2021 में हमें 5G फोन और कम रेट में देखने को मिलेंगे, और मे भी कुछ फोन ऐसे देखने को मिल जाए एक दो जहाँ पे अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलेगा, बट डेफिनेटली वो महंगा होगा शुरू में। ओके, वैसे भी ये जो अमेरिका में स्नैपड्रैगन ले आते हैं हमें एक्सिनोस मिल जाता है, थोड़ा दुख होता है। ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कह रहे हैं पैडी रेडी, नाम भी अलग सही है, कह रहे राकेश भाई ने कितनी जमीन बेच दी है, हर एक वीडियो में कहते हैं जमीन बेच। हाँ वो मैं थोड़ा सा ऐसे फन के लिए कह देता हूँ, लोग कहते हैं ना किडनी बेच देंगे तो हम जमीन बेच देते हैं, एक्चुअली मैंने एक बार पापा से मजाक किया था ना, ऐसे ही मैं गया था, मैं कहा पापा इसको बेच देते हैं, कह रहे क्या करना, मैंने कहा पापा फोन लेने थे, तो पापा ने चप्पल निकालने वाले थे बट मैंने कंट्रोल कर लिया, तो ऐसे ही थोड़ा सा। तो जमीन नहीं बिकती भाई, जमीन बड़ी मुश्किल से आती है, बेचता कौन है। सही बात है। तो यहाँ पे शशवत भाई पूछा, कहते हैं मीडियाटेक वर्सेस स्नैपड्रैगन, अभी पर्टिकुलरली पूछा उन्होंने गेमिंग के लिए। अब जैसे डिपेंड करता है, अभी जैसे 15,000 में G90T जब आया था शुरू में जी, और इनफैक्ट रेडमी नोट 8 प्रो में आया था ना सबसे पहले, हाँ काफ़ी अच्छा फ्रेम रेट देता था, 50+60 तक चला जाता था, जबकि दूसरे प्रोसेसर नहीं दे पाते थे, तो ये प्रोसेसर टू प्रोसेसर चेंज हो जाता है, बाकी जी सीरीज आती है इनकी काफ़ी अच्छी है गेमिंग के लिए। सही, और जैसे कि हम नॉर्ड में देख रहे हैं 765G में भी अब तो एक्सट्रीम का ऑप्शन था पबजी में, और फिलहाल पबजी नहीं है अब तो। हाँ बिल्कुल, हो चुकी है। राइट राइट, तो भाई लास्ट क्वेश्चन आदित्य की तरफ से, कहते हैं कि डेली लाइफ में NFC बहुत ज़्यादा काम में आती है? नहीं बहुत कम, अगर आप DSLR वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा लोगों को यूज़ करते हुए, मैंने भी किया हुआ है, बाकी नहीं मुझे नहीं लगता। हाँ लेकिन सैमसंग के फ़ोन में अगर आप सैमसंग पे यूज़ करते हैं वहाँ पर वो काम आती है, काफ़ी सारी शॉप्स पे, अच्छी शॉप्स पे मिल जाता है वो फीचर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर नॉर्मल शॉप्स पे नहीं मिलता, तो वही मुझे यूज़ दिखा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भाई ख़त्म हो जाते हैं, एंड मेरे को बहुत मज़ा आया आपके साथ आज ये पूरी डिस्कशन करने में। मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता था क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी था मैंने फटाफट दिया, बल्कि हमें बात हो रही थी क्या क्वेश्चंस डिस्कस किया जाए, मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है, मज़ा नहीं आएगा, जो आंसर आने ना इनडायरेक्ट शायद वो ना आए, तो अभी जो है सामने प्रो मोड में आ चुके हैं, बस अभी ले आओ बस जो लाना है, ISO पर्चर सब सेट कर देंगे।
गाइस आप कमेंट करके बताना मेरे को कि आपको कैसे लगी ये वीडियो और भाई के जवाब जो आए हैं। बाकी अगर आपके पास कुछ और हो पूछने लायक तो आप नीचे जरूर बताना और मैं और राजेश बिल्कुल कमेंट सेक्शन मैं भी देख रहा हूँ, मैं रीड करता हूँ, मुझे कमेंट पढ़ने में बड़ा मजा आता है, वहीं से पता लगता है आप लोग क्या कैसा लगा वीडियो। तो काफी अच्छा लगा मुझे आपके चैनल पे आके और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, आंसर पसंद आए होंगे। कोई सजेशन फीडबैक हो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है तो भाई फिर हम फिर मिलेंगे कभी ऐसे ही बढ़िया से वीडियो में, और आप बस ख्याल रखो अपना और अपने चाहने वालों का। हम मिलते हैं एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, गुड बाय।